इंस्टाग्राम पर फुल पिक्चर कैसे अपलोड करें। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो, यह पिक्चर देखिए यहाँ पर क्रॉप हो रहा है, फुल पिक्चर अपलोड नहीं हो रहा है। आज इस वीडियो में एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे वॉइस आउट क्रॉप इंस्टाग्राम पर फुल पिक्चर अपलोड कर सकोगे। देख सकते हो यहाँ पर यह पिक्चर क्रॉप हो रहा है, पूरा पिक्चर यहाँ पर अपलोड नहीं हो रहा है। ये देखिए पूरा पिक्चर है लेकिन ये देखिए क्रॉप हो जा रहा है। तो एक ऐसा ट्रिक बताऊँगा जिससे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में फुल पिक्चर अपलोड कर सकोगे बिना क्रॉप किए। अगर आप उस ट्रिक के बारे में जानना चाहते हो, वीडियो को बिना स्किप करे आखिर तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सस्य, आप सभी का स्वागत है मेरे रूप नल टेक्निकल फास्ट पोस्ट में। चलिए प्रॉपर से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है, जरूर से वीडियो पे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल पे सेट करना ना भूलें। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा इंस्टाग्राम पर फुल पिक्चर कैसे अपलोड कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पर यह पिक्चर पूरा अपलोड नहीं हो रहा है। फोटो यहाँ पर देख सकते हो, ये क्रॉप हो रहा है। ये देखिए, यह पिक्चर मैं सिलेक्ट करता हूँ, देख सकते हो यहाँ पर ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा यहाँ पर क्रॉप हो जा रहा है। वॉइस आउट क्रॉप अपने इंस्टाग्राम में अपना पूरा पिक्चर अपलोड कर सकोगे। एक छोटा सा ट्रिक बताऊँगा तो ये कैसे करना, देखिए प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद से यहाँ पर सर्च कर लीजिए, पिक्स आर्ट लिख कर सर्च करना है और ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर डिस्क्रिप्शन में होगा मैं डायरेक्ट ऐप लिंक दे दूंगा। तो प्ले स्टोर में पिक्स आर्ट लिख कर सर्च करके ये ऐप डाउनलोड कर लेना है। मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है तो मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद इसमें आपको साइन अप करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे देखिए प्लस आइकन है, यहाँ पर क्लिक करना है। एडिट ए फोटो, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर गैलरी ओपन हो जाएगा और जो भी फ़ोटो यहाँ पर, जो भी पिक्चर पूरा अपलोड करना चाहते हो वो फ़ोटो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं ये फ़ोटो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन है टूल्स, जैसे आप यहाँ पर टूल्स के ऊपर क्लिक करोगे देखिए बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड रिमूव कर सकती हो, स्टिकर एडिट कर सकती हो। यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइड करना है और यहाँ पर देखिए ऑप्शन है फिट, फिट के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे आप फिट के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर देख सकते हो यह फोटो पूरे तरीके से फिट हो चुका है और यहाँ पर साइड में देख सकते हो यह व्हाइट कलर है। ठीक है, अगर आप कलर चेंज करना चाहो यहाँ पर कलर के ऊपर क्लिक करके कलर भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, बस आपको इतना करना। इतना करने के बाद यहाँ से इसे टिक कर लीजिए और ये देखिए डाउनलोड ऑप्शन है और यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर नीचे ऑप्शन है सेव एज जेपीजी, इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर सेव के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए ये गैलरी में सेव हो जाएगा। चलिए मैं भी आपको इंस्टाग्राम में लेकर दिखाता हूँ। वापस से इंस्टाग्राम में आते हैं, प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए वो फ़ोटो देख सकते हो, यहाँ पर ये पूरा फ़ोटो है। और यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से ओके। दोबारा से यहाँ पर एक म्यूज़िक ऑप्शन है, म्यूज़िक के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं म्यूज़िक भी ऐड कर लेता हूँ। म्यूज़िक मैंने ऐड कर लिया, फिर यहाँ पर टिक करेंगे और यहाँ से करते हैं नेक्स्ट। जैसे ये प्रोसेसिंग हो रहा है और यहाँ पर ओके, फिर यहाँ से करते हैं इसे शेयर। और यहाँ पर जैसे ये शेयर हो रहा है, एक बार शेयर हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। और ये देख सकते हो यहाँ पर पूरा पिक्चर अपलोड हो चुका है। देखिए यहाँ पर पूरा पिक्चर अपलोड हो गया जो पहले नहीं हो रहा था। और एक करके आपको दिखाता हूँ आपको करना क्या है। यहाँ से पिक्स आर्ट ये ऐप ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन करने के बाद यहाँ से करते हैं पूरा स्टार्टिंग से आपको दिखाता हूँ। प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करोगे, एडिट फोटो इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर देखिए जिस भी फोटो को करना चाहती हो फोटो यहाँ पर इस तरीके सेलेक्ट कर लीजिए। नीचे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, तो यहाँ से थोड़ा सा स्लाइड करना है। देखिए ऑप्शन है फिट, फिट के ऊपर यहाँ पर क्लिक कीजिए। ये देखिए यहाँ पर आ चुका है। फिर यहाँ से कीजिए इसे इस तरीके से डाउनलोड। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर डाउनलोड करोगे और ये गैलरी में सेव हो जाएगा। गैलरी में सेव होने के बाद वापस से इंस्टाग्राम में आते हैं। ये देखिए प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करना है और ये रहा वो फोटो। ठीक है, फिर यहाँ से नेक्स्ट, नेक्स्ट करने के बाद दोबारा से नेक्स्ट। और अगर आप म्यूज़िक लगाना चाहो यहाँ पर म्यूज़िक वगैरह लगा सकते हो। फिर शेयर करते हैं और ये देखिए यहाँ पर ये पूरा फोटो, पूरा पिक्चर यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। देख सकते हो ये पूरा पिक्चर अभी अपलोड हो चुका है। तो इस तरीके से आप इंस्टाग्राम पर पूरा पिक्चर अपलोड कर सकते हो बिना क्रॉप किए। डिस्क्रिप्शन में होगा मैं आप लिंक दे दूंगा या फिर प्ले स्टोर से पिक्स ऐड लिख कर सर्च करके डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो जरूर से वीडियो पर लाइक करना, शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।